आज हम CAPFAC प्रीवियस ईयर्स के क्वांट एप्टीट्यूड है उसमें 2021 का सॉल्यूशन देखेंगे। 2021 में देखो तो 16 क्वेश्चंस हैं। अब उसमें से ऑलरेडी मैंने बताया कि अभी इधर कपल ऑफ ईयर से आपके 15-16 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके पहले आपका 20 इसमें फिक्स रहता था। तो इसमें हम चीजों को देखेंगे, कुछ जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो रिपीटेड ही होते हैं लेकिन थोड़ा सा चेंजेज किया जाता है। लेकिन बेसिक यदि देखोगे तो आप 10-11 ईयर्स के जब पूरा कंप्लीट देखोगे तब बहुत सारी चीजें आपको आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस 1, 2, 3 को छोड़ करके, 2-3 मान के चलो ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा नए पूछते हैं, अदरवाइज जब आप 10-11 ईयर्स का हम इसमें जब देख लेंगे तो लगेगा कि यस रिपीटेड थिंग्स है। अब ये देखो ये कंसेप्ट आपका रिपीटेड इन द सेंस की 22 में हमने देखा था ये, तो ऑब्वियसली रिपीटेड आधार पे है, इसलिए हम रिवर्स में चल रहे हैं। तो ये 8 मेटालिक बॉल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस ईच आर मेल्टेड इनटू 1 बॉल द डायमीटर ऑफ द न्यू बॉल। ये 22 में भी हमने देखा था कि जो आपका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³ होता है ये स्फेयर का, तो ये स्फेयर है, मेटालिक बॉल है तो ऑब्वियसली वो स्फेयर है। तो इसमें से करा 1 सेंटीमीटर का 8 है, तो ठीक है, तो उसको एक बॉल में ये कर दिया गया है। तो छोटे वाले को ये 8 रख दो और इसको बड़े वाले को आर, कैपिटल आर कर दो, तो 4/3 πr³। अब ये 4/3 4/3 फिलहाल के लिए हटा दो, तो 8r r³ = क्या है r³। तो इसको क्या कर सकते हो, 2r³ = r³ मीन्स r=2r, अब सॉरी 2r। अब इसका मतलब क्या है, जो बड़ा वाला बॉल है उसका जो डायमीटर है इससे 2 टाइम्स इसके रेडियस से, यानी कि जब इसका 1 सेंटीमीटर था छोटे वाले का 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस बड़े वाले का क्या होगा 2 सेंटीमीटर। लेकिन हमको डायमीटर पूछ रहा है, ये ध्यान रखो डायमीटर पूछ रहा, तो डायमीटर क्या होता है 2 × रेडियस, तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी इज 7:10, द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 2:3, इफ ईच ऑफ ए एंड बी सेव्स 1,000 पर मंथ देन व्हाट विल बी द मंथली इनकम ऑफ बी। एक चीज ध्यान रखो कि ये 7:10 के रेशियो में, इसका मतलब बी का पूछ रहा है, तो बी जो होना चाहिए 10 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 10 का इंटीग्रल मल्टीपल उस अनुसार सब में है, लेकिन ये चूंकि 1000 के बेस पे है तो 1000 में पहले हम क्या है 10,000 पहले इसको हम करके देखें सबसे आसान तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, ए का 7,000 हो जाएगा और बी का 10,000। अब दोनों से 1,000 हटा दो क्योंकि दोनों का सेविंग है 1,000, तो इसका 6,000 एक्सपेंडिचर और इसका 9,000 एक्सपेंडिचर, तो 6,000 × 9,000 2:3 आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारा ये वाला सही होगा। तो ये चूंकि 7:10 है और इसमें 10,000 एक है, तो आप पहले इसको लेकर के देख लो, ये बन जा रहा है आराम से, तो इसका बी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा, ये भी एक्चुअली देखा जाए तो ये एज यूजुअल रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन में से है। ए और बी टुगेदर कैन फिनिश अ जॉब इन 20 डेज, बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द जॉब इन 30 डेज, ए एंड सी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 24 डेज, हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश। तो देखो जो हम एक दिन में ए और बी का जॉब निकालते हैं, तो 1/A + 1/B = क्या होगा 1/20 हो गया, 1/B + 1/C = क्या हो गया 1/30, 1/C + 1/A = क्या हो गया 1/24। अब दोनों इन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को जोड़ दो, तो 2 × 1/A + 1/B + 1/C हो जाएगा। अब इसको तीनों को जोड़ो 1/20 + 1/30 + 1/24। अब इसको एलसीएम लोगे तो एलसीएम इसका लेने पे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, तो 120 होगा तो ये 6 हो जाएगा प्लस ये 4 हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, इसका मतलब 15/120। इसका मतलब क्या है कि 1/8। अब ये चूंकि 2 है तो 2 को फिर इधर ले जाओ, तो यानी कि 1/A + 1/B + 1/C = 1/16 हो जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, ए के द्वारा किया हुआ जॉब, तो हम इसमें से बी बाई सी हटा देंगे,
तो 1 by a निकालने के लिए क्या कर देंगे, 1 by 16, 1 by a = 1 by 16 माइनस, अब b और c बराबर कितना था, ये था तो 1 by 30। अब इसका एलसीएम लोगे तो क्या आपका आ जाएगा, ये 240 आ जाएगा, 240 आ जाएगा तो ये 15, और -8 इसको करोगे तो ये क्या 7 by 240। तो इसका मतलब है a बराबर क्या हो जाएगा, 240 और बाई सेवन, 240 by 7 को करोगे तो 34, 2 by 7 आ जाएगा, 2 by 7। तो ये आपको बस सिंपल सा ये कैलकुलेशन करना था, तो 3 का c हो गया। इसमें भी कॉमन सेंस लगाना है, देखो जितने भी क्वेश्चन है कुछ में आपको कैलकुलेशन रियल में करना पड़ेगा, जैसे इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 में आपको रियल में कैलकुलेशन करना पड़ा, कुछ में आपको कॉमन सेंस लगाना है। अब इसमें से कॉमन सेंस लगाना है, ए ट्री इज एट प्रेजेंट 10 फीट टॉल, इफ एवरी ईयर इट ग्रोज 1 by 9th ऑफ इट्स हाइट, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर 3 ईयर्स। अब एक देखो 1 by 9, इसका 9 का 1 by 9 10 हो जाएगा, इसका मतलब फर्स्ट ईयर में ये 10 फीट हो जाएगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा 10 + 10 by 9, तो 11 से थोड़ा ज्यादा होगा, सेकेंड ईयर में क्या होगा 11 point something + 1 by 9, तो इसका मतलब ये समझो कि 12 से तो ज्यादा होगा, तो 12 लेकिन इतना ज्यादा नहीं हो जाएगा कि 13 और 13.1, तो इसका मतलब क्लोज में आपका 12.34 आ जाएगा, तो ये आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5, इफ फर्स्ट मार्च ऑफ ईयर इज संडे, विच डे विल बी द फर्स्ट फरवरी ऑफ नेक्स्ट ईयर। अब इसमें से जितना आप जानते हो कि 7 days बाद फिर आपका 8वां दिन जो होता है सेम डे हो जाता है, तो 7 days तो ये करो आप, तो इसमें से क्या करना है ना कि जितने आपके ऑड डे हैं, एक सप्ताह में आपके 28 दिन कॉमन हुए और 3 ऑड डे, तो मार्च में 3 ऑड डे हो जाएगा, अप्रैल में 2 ऑड डेज हो जाएगा, मई में 3 ऑड डेज हो जाएगा, फिर अप्रैल ये जून में 2 ऑड डेज, फिर जुलाई और अगस्त में 3, 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, फिर नवंबर में 2, दिसंबर और जनवरी में 3 + 3, इतने ऑड डे हैं, तो 3, 5, 5, 5, 10, 16, 16 और 5, 21, 21, 20, 3, 29, 29 हो गया, इसका मतलब 1 ऑड डे आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये संडे है तो नेक्स्ट क्या है मंडे पड़ जाएगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है ए बी सी स्टार्ट करते हैं बिजनेस, और वो बिजनेस में क्या करता है कि इन्वेस्ट करता है कितना 7,000, 8,000 और 12,000 रिस्पेक्टिवली, यानी कि ए का 7,000 है, बी का 8,000 है और सी का 12,000 है, आफ्टर ए ईयर बी गेट्स 3,200, तो टोटल क्या प्रॉफिट होगा। अब ये देखो 8,000 लगा रहा है तो 3,200 प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब है प्रति 1,000 क्या हो जाएगा 400 इन्वेस्ट, ये प्रॉफिट मिल रहा है, तो प्रति 1,000 इसका 400, तो इसका करोगे तो 2,800 आ जाएगा, 2,800, फिर ये जो है इसका आ जाएगा 3,200, बी का तो है ही दिया हुआ, अब सी का 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4,800, तो इसको ऐड करोगे तो 0, 0, ये 8, 8, 16, 8 हो गया, और प्लस कैरी कैरी 1 हो गया तो 9, 10, तो 10,800, तो इसका मतलब डी। तो ये ध्यान रखना है कि एक का निकाल लिए कि प्रति 1,000 कितना आ रहा, बाकी सब में आप अपना जोड़ दो करके मल्टीप्लाई करके। ये क्वेश्चन एक्चुअली हम साइंस वाले में भी कर चुके थे, क्योंकि ये प्लेन मिरर के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ था, तो इस वजह से हमने साइंस कर लिया था। इसको इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप उसको आईने में देखो, प्लेन मिरर में, तो ये आपको पता चल जाएगा 9:25 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें से है, इन अ स्टॉक क्लियरेंस सेल ए शॉपकीपर गिव्स 40% ऑफ ऑन ऑल हिज आइटम्स, ही इनकर्स ए लॉस ऑफ 25% बाई सेलिंग एन आइटम ऑफ मार्क प्राइस 2,000, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट प्राइस। अब ये देखो 40% ये डिस्काउंट दे रहा है, यानी 40% ऑफ दे रहा है, तो 2,000 का 40% कितना होता है 800 हो जाएगा, तो इसका मतलब है क्या कि 2,000 का सामान है और वो बेच रहा है कितना में 1,200 में। अब जब 1,200 में बेच रहा है तो इसको नुकसान कितना हो रहा है 2,500, तो 2,500 यानी कि यक्स का ये 75% है, 25% नुकसान हो रहा है, तो 75% क्या है ये 1,200 है,
100% क्या हो जाएगा, ये आपका 1200 इंटू 100 और बाई 75, तो ये आपका 4, ये 3, तो 400, तो यानी कि 1600 इसका प्राइस था, तो ये आपका सिंपल सा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एवरेज एज ऑफ राज एंड हिज फादर इज 45 ईयर्स। तो राज और ये इसके पिता का एज का एवरेज 45 है, तो राज प्लस फादर एज एडिशन क्या होगा, 90 ईयर्स हो गया, तो 45 इंटू 2। इफ एज ऑफ फादर एंड ग्रैंड फादर ऑफ राज आर रिस्पेक्टिवली 2 एंड 3 टाइम्स डेट ऑफ राज, यानी कि राज का एज यदि यक्स है तो फादर का 2x है और ग्रैंड फादर का 3x है, तो इसमें ये देखो यक्स प्लस 2x बराबर क्या है 90, तो 3x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 30, तो राज का 30 हो जाएगा, राज के फादर का 60 हो जाएगा और राज के ग्रैंड फादर का 3 टाइम्स है तो 90 हो गया, तो ग्रैंड फादर का पूछ रहा है तो ये आपका 90 हो गया, तो बी एकदम सिंपल सा था। नेक्स्ट है द स्मॉलेस्ट नंबर विच वेन एडेड टू 10,000 बिकम्स डिविजिबल बाई 20, 24 एंड 30। तो 10,000 जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा नंबर को जोड़े तो ये 20, 24 और 30 से विभाज्य हो, तो तीनों का एलसीएम निकाल लो, 20, 24 और 30, इसका एलसीएम निकालोगे तो ये 10, 12, 15, 2 से 5, 6, 15, 3 से करोगे तो 5, 2, 5, 5 से करोगे तो 1, 2, 1, इसका मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 और ये सॉरी सॉरी हाँ 4 इंटू 3 तो आपके 12 और 12 और इंटू 8 तो 120, तो ये आपका 120 इसमें से इसका एलसीएम हो गया। अब 10,000 को डिवाइड करो 120 से, 10,000 को 120, तो इट्स बेटर है 1,000 को आप डिवाइड कर दो 12 से, तो 12 से आप 1,000 को करोगे एक तरह से, या इसको सिंपल ये करोगे तो 12 इंटू 8 9,600 सपोज आता है, तो 9,600 हुआ। अब इंटू 3 करोगे तो 360 हो जाएगा, 360 तो 9,960 हो गया। अब ये देखो इसमें से कितना ऐड करोगे, अब इसमें से 120 सपोज ऐड करो तो 120 ऐड करते हो तो 0, 8, ये 0 और 10, तो इसका मतलब है 80 इसमें ऐड करना पड़ेगा तो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो ये सी आपका हो जाएगा आंसर। 11 है, सपोज द nth टर्म ऑफ ए सीरीज इज 1 + n/2 + n² / 2, इफ देयर आर 20 टर्म्स इन द सीरीज देन सम, तो तीनों को अलग अलग कर दो, तो 1 को 20 बार ऐड करोगे तो क्या होगा 20, इसका मतलब है ये फर्स्ट टर्म का 20 हो गया। अब ये n/2 को 20 टाइम्स ऐड करो तो इसको 1/2 कर लो और 1 + 2 + 3 + up to 20 करोगे, तो ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, n × n + 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 1/2 इसको कर लो, 1/2 × 20 × 21 और बाई 2, तो ये 2 2 4 एक तरह से तो 5 हो गया, तो +120, 105 हो गया, 21 × 5 तो 105। अब इस टर्म को हमको करना है तो यन स्क्वायर, तो हमने यन स्क्वायर 1 से यन, तो यन 1/2 कर लो इसमें भी। अब यन स्क्वायर हमने फॉर्मूला क्या देखा था, यन इंटू यन प्लस वन और 2n + 1, ये फॉर्मूला हम 22 वाले में जब किए थे, और डिवाइडेड बाई 6, तो 1/2 ये है, तो यन 20, 20 × 21 चूंकि n प्लस 1 और × 41 और डिवाइडेड बाई 6 करोगे, तो 6 करोगे तो ये 2 से तो 3 हो जाएगा और ये 10 हो गया और ये आपका 7 हो गया, और 7 ये अब करोगे तो मान के चलो इसको ऐसे ही रहने दो, तो आसान करने से तो इसको अब मल्टीप्लाई करके ये पूरा टर्म्स को जब मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, 1435, तो इसको 1435 इसको ऐड करो, तो इन तीनों को ऐड करोगे तो 1560, तो तीनों टर्म को अलग अलग लेकर के आपको कर देना था, तो ये डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग
कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड कोविड, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक है तो उसके कारण ये पूछा गया एक तरह से, तो लेकिन ये मैथमेटिकल है, तो ये फाइव ऑल फाइव लेटर अलग अलग है, तो फैक्टोरियल फाइव, क्योंकि मीनिंग निकले या ना निकले उससे कोई मतलब नहीं है, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1 करो या ना करो उससे कोई अंतर नहीं, तो ये 120 हो जाएगा, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी कुछ है नहीं, बस जैसे चल रहा है उसको करते चलो। करा कि एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, गिव्स टू कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 5%। हमेशा ध्यान रखो ये 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली जब देता है, तो पहले 10% देता है, जो रिमेनिंग बचा उस पर 5% देता है। ही देन एड्स 20% जीएसटी, यानी कि जो बचा अमाउंट उस पर 20% जीएसटी लगाता है। करा इफ एन आइटम हैज मार्क प्राइस 2000, हाउ मच मोर और लेस द एक्चुअल प्राइस ऑफ द आइटम अ कस्टमर हैज टू पे। अभी देखो परसेंटेज टर्म में है ना, तो इसको हमको समझने का मतलब ही नहीं है, ये रहता ना रियल नंबर रहता कि कितना 2000 में कितना देना पड़ेगा, ज्यादा या कम, तब इसका ऐसे बस 100 ले लो, इसका हमको जरूरत ही नहीं। अभी ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है, तो 100 मान लो सबसे आसान, पहले 10% उस पर डिस्काउंट दिया तो 90 बच गया, अब इस पर 5% दे रहा है, तो 90 का 5 क्या होता है, 4.5, 4.5 इसमें माइनस कर दो तो 85.5 होता है। अब 85.5 पर 10% जो है जीएसटी लगाता है, 20/100, तो जब जीएसटी इस पर लगता है तो कितना हो जाएगा जीएसटी इस पर, इसका ये तो 17.1 हो जाएगा। अब 17.1 इसमें ऐड करो 17.1, तो 102.6 हो गया, इसका मतलब 2.6% एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा, तो 2.6% एक्स्ट्रा, तो इसका कोई हमको काम ही नहीं आया 2000 का, तो इसका बी हो गया। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी सेम आपका जो इंटरेस्ट वाला, सेम को मतलब सेम ही नहीं था, इंटरेस्ट वाला इस सेम कंसेप्ट पे आपका 2022 में भी था, और इनफैक्ट ये अभी हम पीछे जब चलते चलेंगे आगे इन द सेंस कि हम रिवर्स में चल रहे हैं, तो आपको बहुत सारे इस पर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये इसमें से देखो ये कराना कि द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सम ऑफ मनी एट रेट ऑफ 5% पर ईयर फॉर 2 ईयर्स इज 250। तो पहला ईयर तो दोनों पर ब्याज सेम रहता है, दूसरा ईयर में तो डिफरेंस एक्चुअली क्या है, ये दूसरे ईयर का आएगा ना, सेम सिचुएशन में वहां देखा था, लेकिन ये फाइनल सम पूछ रहा था, पहले हम दूसरा, पहले दूसरा ईयर का जो ब्याज दिया हुआ है डिफरेंस है ये 250 है, इसका मतलब फर्स्ट ईयर का जो ब्याज हुआ है पहले हम वो निकाल लेंगे, क्योंकि ब्याज पे ये ब्याज लग रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर यानी रेट और इंटू टाइम और बाई 100, तो यस आई 250 सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमको पहले निकालना है, आर 5% दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है और ये 100, तो ये एक तरह से ये मान के चलो 20 हो गया, तो इसको P इक्वल टू 5000, लेकिन ये P 5000 फर्स्ट ईयर का ये ब्याज है, क्योंकि उस पर ब्याज लगा, ब्याज पे ब्याज है ये। अब दूसरा सेम इसमें फिर से एक बार रख दो, तो अब ब्याज 5000 है, इक्वल टू P प्रिंसिपल हमको निकालना है, आर हमको 5% दिया हुआ है, टाइम अगेन 1 और बाई 100, ठीक है ये 100 तो इधर जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, तो 20 × 5000 तो 1 लाख हो जाएगा। तो दो बार आपको सेम फॉर्मूला को लगाना था, पहले ब्याज पे ब्याज को कैलकुलेट करना था, फिर उसके बाद फिर से आपको प्रिंसिपल निकालना था। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, हाउ मच वॉटर टू बी एडेड इन 75 ml ऑफ अल्कोहल सो डेट द मिक्सचर कंटेन 25% अल्कोहल। इसका मतलब क्या है, 75 ml जो है क्या है वो 25% है, तो 25% बराबर यदि 75 है तो 100% कितना हो जाएगा, 100% क्या हो जाएगा, 75 × 100 और डिवाइडेड बाई 25, तो ये आपका 3 हो जाएगा, यानी टोटल 300 ml मिक्सचर, लेकिन ये मिक्सचर में 75 ml तो अल्कोहल है, तो 75 इसमें माइनस कर दो, तो 225 जो है वाटर मिलाना पड़ेगा, तो 225 वाटर मिलाना पड़ेगा, तो बी इसका आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन इसमें करा, 35% ऑफ ए नंबर इज 416 मोर देन 27% ऑफ द सेम नंबर, कोई नंबर यक्स है, तो यक्स का यदि 35% और माइनस यक्स का 35%
और माइनस यक्स का 27%, ये आपका 416 है। इसका मतलब है 8% उस नंबर का क्या है, 416 है। तो 1% क्या हो जाएगा, 416 और डिवाइडेड बाई 8, तो ये क्या हो गया, 52 हो जाएगा। तो जब 1% 52 है तो 100% क्या हो जाएगा, 5200। तो ये आपका सिंपल। अब बिलीव मी, इसमें एक भी 16 में से क्वेश्चन ऐसा था जो कि आप नहीं बना सकते थे। आई होप कि जब थोड़ा सा चीजों को एनालाइज करोगे, प्रॉपर तरीका से इस पर वर्क करोगे, तो आप इसमें से सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। ये बात का ध्यान रखो, बट हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी चीजें एकदम आसान नहीं होती है, आपको वर्क करना पड़ता। मेरे लिए ये आसान है लगा, या किसी और के लिए हमसे भी सिंपल तरीके से वो बना सकते हैं जिनका मैथ हमसे बेटर कंडीशन में है, बहुत सारे हैं, लेकिन किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट भी है। तो आप ग्रेजुअली जब इस पर वर्क करोगे तो जरूर आपका ये होगा। फिर हम नेक्स्ट वाले में जो है 2019 का, ये सॉरी 2020 का करेंगे, और उसी 2019, और उसी ही धीरे धीरे हम 2012 तक करते चलेंगे। ओके, थैंक यू।